दमोह जिला मुख्यालय से करीब 24 किलोमीटर दूर नोहटा कस्बे में जन्माष्टमी के दिन एक गरीब परिवार की खुशियां मातम में बदलती नजर आईं। दरअसल इस गरीब परिवार का नाबालिग बेटा कल से लापता था, जिसके जूते एवं कपड़े नदी के घाट के पास में पड़े हुए मिले थे, जिसके बाद यह आशंका जताई जा रही थी कि नहाते समय कहीं नदी में गहराई में चले जाने की वजह से डूबने से उसकी मौत तो नहीं हो गई है। और इस आशंका के चलते बड़ी संख्या में ग्रामीणजन नदी के उस घाट पर पहुंच गए थे। बाद में नोटा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से जब उपरोक्त नाबालिग की तलाश शुरू की गई तो कुछ ही देर की तलाश के बाद गोताखोरों ने चट्टानों के बीच में फंसे उस 14 वर्षीय नाबालिग के शव को बरामद करने में देर नहीं की। इधर मासूम का शव मिलने के साथ ही परिजनों के बीच जहां मातमी माहौल बनते देर नहीं लगी, वहीं पुलिस ने मर कायम करते हुए जांच प्रारंभ कर दी है। वहीं पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। बताया जा रहा है कल दोपहर से यह लापता था तथा रात 9 बजे नोहटा थाने में इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कायम की गई थी। कल रात करीब 9 बजे कस्बा नोहटा के हल्ले बसोर आए थे और बताया था कि इनका लड़का लखन बसोर, उम्र करीब 14 साल, दिन में 1 बजे से कहीं गायब हो गया है, मिल नहीं रहा है। जिसकी रिपोर्ट पर से थाना पर, चूँकि लड़का नाबालिग था तो अपराध क्रमांक 489/21 धारा 363 का कायम किया गया था। आज सुबह सूचना मिली थी कि लड़के का कपड़ा और जूता नदी किनारे कुन्ना घाट पर पड़ा हुआ है, तो ऐसी आशंका थी कि नदी में लड़का नहाते वक्त डूब गया होगा। तस्दीक हेतु स्थानीय गोताखोरों की मदद से लड़के के शव को नदी से बरामद करवाया और शव पंचनामा कार्रवाई करवाकर PM हेतु जबेरा रवाना करवाया।